हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, पटना हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी आपकी निकाली है पीए पोस्ट के लिए, उसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आना है, इसका अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर अदर लिंक के माध्यम से भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि एडवर्टाइजमेंट है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस है और आपकी जो अप्लाई फॉर पर्सनल असिस्टेंट का जो लिंक है, वो तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहला जो पैराग्राफ है, इसमें आपसे आपका नाम पूछा गया है, आपके फादर या हस्बैंड नेम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, लास्ट नेम यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके फादर नेम है या फिर आपका हस्बैंड नेम है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका एड्रेस है तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पिन कोड है, वो पिन कोड आपको देना है। आपका यहाँ पर जो स्टेट है वो आपको चूज़ करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। अलग अलग है, आप इसकी एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी एक्टिव कंडीशन में हो वो आप डालिएगा, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको इसी पर मिलने वाली है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपके रेजिडेंट ऑफ बिहार के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप इसमें यस करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, आपकी जो कैटेगरी है वो आपके सामने सभी ओपन होंगी, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। पर यदि आप बिहार के निवासी नहीं हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो सिर्फ कैटेगरी आपकी जनरल यहाँ पर शो होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जेंडर जो है सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप यदि आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है, आप यदि इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है कि आप कोर्ट में जो है डेली वेजेस पे काम करते हैं, डेपुटेशन पे काम करते हैं, तो उसके लिए भी आपको यस या नो करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ से आप डेट, मंथ एंड ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। यहाँ पर देखिए, आपसे कुछ डिटेल मांगी गई हैं, जो कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल हैं। यदि आपके पास पीजी डिग्री है या फिर कोई अदर डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, तो आप उसको भी शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो 10वीं को आप SSC यहाँ पर लिख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन लिख सकते हैं, या फिर आप हाई स्कूल लिख सकते हैं, तो जो भी आप बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। 12th के लिए आप HSC यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर हायर सीनियर सेकेंडरी क्लास एजुकेशन लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। तो जो भी आप वहाँ पर अपने हिसाब से जो भी स्टेट में आप कहते हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी मार्कशीट में आप जब देखेंगे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा उस एग्जामिनेशन का नाम, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है वो आपके नेम ऑफ द बोर्ड का है, तो आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ पर देना है, तीनों में ही, बोर्ड का नाम और यूनिवर्सिटी, क्योंकि ग्रेजुएशन में हम मानते हैं यूनिवर्सिटी। इसके बाद फ्रेंड्स, ईयर है जो कि आपने पासिंग ईयर है वो आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद डिवीजन आपको दिए गए हैं, तो वो डिवीजन आप तीनों में सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको देनी है, और ये जो है वो है आपके सब्जेक्ट का। तो देखिए, सब्जेक्ट जो है वो आपकी क्या क्या आपकी 10वीं में रही है, 12th में रही है, ग्रेजुएशन में रही है, फाइनल ईयर की सब्जेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप स्ट्रीम भी लिख देंगे, पर अगर आपकी ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आप स्ट्रीम लिख सकते हैं, या फिर आप मेनली जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में दे सकते हैं, जो कि फाइनल ईयर के लिए है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इसको लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों की आप एंट्री कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर है लॉ ग्रेजुएट के लिए। यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर इसमें यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, है ऑनर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश का ऑप्शन है, इसे आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है 50% मार्क्स, आपके इंग्लिश में इंटरमीडिएट लेवल में है या नहीं है तो वो आपको यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर कोर्स में हो, तो ये आपको यस करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके एक्सपीरियंस का। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसको बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है पोस्ट का नाम लिखना होगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर लिखना होगा कि कहाँ पर आपने काम किया है, उसके बाद कब से कब तक आपने काम किया है, उसके
की डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो नाम है, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आपको करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार मेल आपके पास नहीं भेज रहा है, ना ही आपके पास ये SMS भेज रहा है, तो इसलिए बार बार भरने से बेटर है आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है सभी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर प्रोसीड को ऑप्शन मिलता है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक जैसे ही आप कर देंगे, इसके बाद आई हैव पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होता है जिसमें आपको अपनी जो डिटेल है पेमेंट की वो आपको देनी होगी। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको डालना है, नेम ऑफ फादर आपको यहाँ पर डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है, आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये फ्रेंड्स करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिमार्क का, तो ये आप दे सकते हैं या फिर इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखना चाहें तो कुछ भी लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है पे। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे की साइड जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपको दोबारा से नेम की एंट्री करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करनी है, मोबाइल नंबर की एंट्री करनी है और जो ये कोड यहाँ पर दिया गया है इस कोड की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो करेंगी, आपको इसको वेरीफाई करना है। यदि सभी डिटेल सही हैं तो आप यहाँ पर इस कन्फर्म बटन से इसको कन्फर्म कर सकते हैं। कन्फर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आप तीन माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले नेट बैंकिंग है। यदि आपके पास SBI नेट बैंकिंग है तो आप इस पर क्लिक करें, अगर अदर बैंक नेट बैंकिंग है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जो बैंक चार्ज आपका लगेगा उसकी डिटेल देखिए आपको नीचे देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स कार्ड पेमेंट, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ATM कम डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन है और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो आप किसी भी माध्यम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंपल डेबिट कार्ड है तो आप यहाँ पर जो बीच वाला ऑप्शन है अदर बैंक डेबिट कार्ड का, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका पेमेंट मोड यदि आप SBI ब्रांच से करना चाहते हैं या फिर आप NEFT RTGS के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इसमें इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम करते हैं अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक हियर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए आपको कार्ड नंबर जो है आपके कार्ड डेबिट कार्ड का वो देना होगा, कार्ड की एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर आपको देनी है, कार्ड पे जो नाम अंकित है जिसके नाम पर वो खाता है उसका नाम देना है, CVV नंबर देना है जो कि देखिए कार्ड के पीछे यहाँ पर लिखा होता है, उसके बाद जो एक जो कैरेक्टर दिया गया है ये आपको करना है और उसके बाद यहाँ से पे के माध्यम से आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। अब फ्रेंड्स पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना होगा 12 to 24 आवर्स, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पे चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के 24 आवर्स के बाद आप जब दोबारा से इसको आपको लॉगिन करना होगा डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से, और उसके बाद आपको जो है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो फोटोग्राफ का जो साइज है वो आपका 40 KB मैक्सिमम होना चाहिए, 200 से 230 पिक्सल आपका वो साइज यहाँ पर डायमेंशन आपको रखना होगा। सिग्नेचर की बात करें तो 10 KB का आपको साइज रखना है और उसके बाद 140x60 पिक्सल आपको यहाँ पर रखने होंगे, यही अपलोड करना है। उसके बाद जो है आप इसको डाउनलोड करके या प्रिंट के माध्यम से प्रिंट करके एप्लीकेशन को निकाल कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे जो आप अपनी फोटो एंड सिग्नेचर है उसकी डायमेंशन या पिक्सल को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो भी फोटो या साइन आप अपलोड कर रहे हैं उसको आपको ओपन करना है पेंट में। पेंट में ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिसाइज का, तो जैसे ही आप माउस लेके आएंगे यहाँ पर आप खुल जाएगा रिसाइज का, या फिर Ctrl+W के माध्यम से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है पिक्सल का, तो आपको इस पिक्सल पर क्लिक करना है और यहाँ से जो ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो है ये आपको हटा देना है।
तो ये ध्यान रखिएगा जो भी पिक्सल आपसे मांगे गए हैं, जैसे अगर बात करें यहाँ पर तो 200x230 पिक्सल आपसे यहाँ पर मांगा गया है, और फोटो साइन के लिए बात करें तो 140x60 आपसे मांगा गया है। तो आपको जो है यहाँ पर भी उसी की एंट्री करनी है, जैसे यहाँ पर कर दिया हमने 200 और इसके बाद वर्टिकल में कर दिया 230, साइन के लिए 140 और यहाँ पर नीचे 60, और इसके बाद आपको यहाँ से कर देना है इसको ओके, और आपका जो फोटो है इसका पिक्सल चेंज हो जाएगा। आप इसको सेव कर सकते हैं या फिर फाइल पर जाकर आप यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जाकर ये जेपीजी पिक्चर पर जाकर क्लिक आप करके इसको सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर इसको अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद जो आपकी फोटो एंड साइन है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि पिक्सल सेट करने के बाद आपको जो साइज है उसका जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, साइज को आप सही कर लीजिएगा, और फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है कि अगर आपको साइज सेट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको जो मेल आईडी है वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर अपनी फोटो एंड साइन आप भेज सकते हैं, हम आपको उसको कन्वर्ट करके चेंज करके वापस सेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, पर्सनल असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 11 जून इसकी लास्ट डेट है, यदि आपने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है और आप एलिजिबल हैं करना चाहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल जो है मिल जाएंगी, या फिर आप नोटिफिकेशन सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी सभी डिटेल पसंद आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।